मेरा तुम कहाँ हो? कब से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं मैं और स्वेतलाना कि तुम आओ और मीटिंग शुरू करें। 3 बार स्वेतलाना फोन करके मुझे पूछ चुकी है। शुरू में ही ऐसी लापरवाही होगी तो आगे कैसे काम चलेगा मेरा? क्या हुआ, क्या हुआ मेधा, बताओ तो। करण मुझे इस ऑफिस से, इस शहर से छुटकारा दे दो, मुक्त हो जाने दो मुझे प्लीज। क्या हो गया करण? सब में एक सहन शक्ति होती है, लेकिन लेकिन तुम्हें तो गलतफहमी है मेरे बारे में कि मेरे बर्दाश्त की कोई सीमा ही नहीं है। यातनाएं मुझ पर होती रहे और मैं सहती चली जाऊं, पर ऐसा नहीं है करण। मेरी बर्दाश्त की भी हद है और आज वो हद पार हो चुकी है। क्या कहना चाहती है? देखो ना ऋषभ, आज फिर आके ऋषभ, जब देखो तुम ऋषभ करती रहती हो। एक आदमी तुम पर कितना असर कर सकता है मेरा, जानती हो किस तरह का आदमी है वो, फिर भी हर आंसू पर उसका दस्तखत होते हैं। भूल जाओ उसे, परे करो उसे अपनी जिंदगी से। तुम उससे नफरत करते हो करण, तो उससे और ज्यादा नफरत करने में तुम्हें कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन मैंने इसी ऋषभ से प्यार किया है और जिंदगी में मैंने सिर्फ ऋषभ से प्यार किया है, तो उससे जो तुम्हारी नफरत है उसकी बराबरी तुम्हें इस जन्म में नहीं कर सकूंगी। ऋषभ मेरी जिंदगी पर असर करेगा और करता रहेगा। ठीक है, अगर ऋषभ से प्यार किया है तो फिर अपने प्यार से बच के क्यों भागने की कोशिश कर रही हो? मैं इस रिश्ते की कब्र पर अपनी जिंदगी को आबाद नहीं कर सकती करण। हम दोनों की भलाई इसी में है कि हम दोनों एक दूसरे से दूर रहें। अच्छा ठीक है, मान लेते हैं तुम ऋषभ से दूर चली जाती हो, बहुत दूर चली जाती हूँ, लेकिन ये तो बताती जाओ कि उसे किसके हवाले छोड़ के जाओगी। तुम जानती हो ऋषभ अकेले में अपना ख्याल नहीं रख पाएगा, वही गलतियां दोहराएगा जो हमेशा से करता है। अब ये उसका अंधापन है मेधा कि वो ये देख ही नहीं पाए कि तुम उसे हर मोड़ पे कितना सहारा देती हो। मेरा केस लड़के तुमने उसे बहुत बड़े गुनाह से बचाया है, ये उसकी मोटी अकल में नहीं घुसने वाला है। मेधा उसको नशा चढ़ गया है नफरत का, और जब किसी अपने को नशा चढ़ जाता है किसी भी चीज का, तो उसे सड़क पे या गटर पे छोड़ के नहीं चले जाते मेरा, उसे सहारा देते हैं उस नशे से लड़ने के लिए। और बस बस, बोलते हो तो बोलते ही चले जाते हो। कहा था ना तुमने स्वेतलाना के साथ कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग है, हम वैसे लेट हो चुके हैं।